बिहार में अब कुछ ही घंटे बचे हैं खेला होने का, क्योंकि आज एनडीए सरकार को बहुमत हासिल करना है, फ्लोर टेस्ट होना है। और उससे पहले देखिए, तेजस्वी यादव का जो आवास है, सरकारी आवास है, यहाँ पर सुबह से ही गहमागहमी है और कार्यकर्ता भी यहाँ पर अभी से ही जुटने लगे हैं। और ये हम बता रहे हैं कि कल देर रात आरजेडी के विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, को लेके गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। जो चेतन आनंद के छोटे भाई हैं, उन्होंने पाटलिपुत्रा थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था और लिखा गया था कि 10 तारीख को 2:30 बजे अपने घर से निकले हैं और अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो पुलिस कार्रवाई करे, खोजने की कृपा करे। जिसको लेके कल देर रात पुलिस प्रशासन यहाँ पर तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर पहुँचे और लगभग वो आधे घंटे तक तेजस्वी यादव के आवास के अंदर छानबीन की। और चेतन आनंद ने साफ तौर पे कहा कि हम कहीं गुमशुदा नहीं हैं और यहाँ पर पार्टी के काम से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं, जैसे ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँची और लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए, पुलिस प्रशासन को खदेड़ के भगाया गया, लेकिन देर रात पटना के DM SSP वो सब पहुँचे, चेतन आनंद को यहाँ से तेजस्वी यादव के आवास से निकाला गया और उनके घर तक छोड़ा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो 78 जो विधायक थे, नीलम देवी अभी तक नहीं पहुँची हैं, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो किसी कारणवश नहीं आई हैं, लेकिन महागठबंधन के साथ रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक 77 विधायक तेजस्वी यादव के आवास के अंदर है जो RJD के हैं, और 16 विधायक जो है लेफ्ट के, वो भी अभी अंदर हैं। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जितने विधायक आए हुए थे, 1900 विधायक कल हैदराबाद से पटना पहुँचे। पटना पहुँचने के बाद तेजस्वी यादव के आवास पे यहाँ पर रुके और रुकने के बाद रात का खाना खाए और अपने अपने घरों की ओर निकले। और अभी कुछ ही देरों में तेजस्वी यादव के आवास पे कांग्रेस विधायक भी पहुँचने वाले हैं, नीलम देवी भी पहुँचने वाली हैं। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि सभी विधायक एकजुट होंगे तो यहाँ से विधानसभा की ओर रुख करेंगे। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन चारों तरफ जो तेजस्वी यादव का जो आवास है वहाँ पर नाकेबंदी किए हुए हैं। लेकिन यही सूचना है कि चेतन आनंद को जो गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था उनके भाई के द्वारा, तो चेतन आनंद को यहाँ से निकाल के उनके परिवार तक पुलिस प्रशासन सौंप दी है। और फिलहाल अब यही लग रहा है कि चेतन आनंद जो हैं RJD के जो विधायक हैं, वो कुछ देर में पहुंचेंगे और यहां से वो विधानसभा की ओर रुख करेंगे सभी विधायकों के साथ। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का जितना विधायक है, जो लेफ्ट के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सबका लीडिंग करते हुए वो विधानसभा पहुँचेंगे और फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।